24 आवर्स कोई ना कोई पढ़ता हुआ दिखेगा, किसी का और आवर, किसी का सोने का टाइम 2 बजे है और किसी का जगने का टाइम 2 बजे से पढ़ाई शुरू करने का है। तो ये लाइब्रेरी 24 आवर्स बच्चों के लिए रहता है। बच्चे बैठते हैं इसमें? 500 बच्चों को एक साथ बैठने की व्यवस्था है, ये गर्ल्स वाले में भी, और बॉयज़ सेक्शन में भी 500 प्लस बच्चों का बैठने की व्यवस्था है। सवाल एक साथ, कितने लोगों को रोज़गार दिया है? हमारे साथ लगभग डायरेक्टली 450 लोग हैं अभी जुड़े हुए। डायरेक्टली 450 लोगों को रोजगार आपने दिया है, यहाँ पे मिला है। हाँ। और इनडायरेक्टली तो जो हॉस्टल चलाने वाले लोग शुरुआत किए थे तो कितने लोगों को रोजगार दिया था। और गार्जियन का मेंटालिटी भी है, कोटा चला गया तो मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर तो शायद अपना गोल बना देता है। उनका जो केबिन का जो पार्ट है वो सेपरेशन है, सबके अपने अपने लाइट्स हैं और ये कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं एक साथ बैठ के पढ़ के। दोनों साइड में हम लोगों के पास केबिन है जहाँ से इनकी मॉनिटरिंग होती है। ये जो जहाँ आप हैं अभी फ़िलहाल ये गर्ल्स का बिल्डिंग है जहाँ पे 500 बच्चे रहते हैं, और इसके साथ में जो पीछे सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो सामने उजली वाली, वो बॉयज़ के लिए है, वो भी 500 का है। बिहार के गार्जियन जब अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए कोटा, मुंबई, पूना, बेंगलुरु जैसे शहरों का बात करते थे तो हमें बड़ा अफसोस होता था। अब उससे बढ़िया बेहतर सुविधा जो है बिहार में दिया जा रहा है, और उसी के बारे में जानने के लिए हम लोग गोल विलेज में आए हैं। अभी हमारे साथ विपिन सर हैं जो मुझे भी पढ़ाए थे। इनसे बात करेंगे कि आखिर गोल विलेज और सब जगहों से अलग कैसे है और यहाँ पे बच्चों का भविष्य किस प्रकार से बनाया जा रहा है। सबसे पहले सर, सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू मनीष जी, एक बार फिर से आपने मेरा दूसरा इंटरव्यू शायद ये आपने किया है। मैं इसलिए कर रहा हूँ ना दूसरा इंटरव्यू, क्योंकि लोगों को दिखाना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ एक गार्जियन के दिमाग में भरा हुआ है, मेंटालिटी बना हुआ है कि मेरा बच्चा अगर कोटा में जाएगा, मेरा बच्चा अगर बाहर जाएगा तो उसका भविष्य बनाया जाएगा। यहां पे उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो वहां से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे आप किस प्रकार से दे रहे हैं, ये चीजें समाज में दिखाना हमारा दायित्व बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपसे पढ़ा हूं तो इसीलिए मैं दोबारा आया हूं। तो थैंक यू, धन्यवाद। तो ये अलग कैसे है गोल विलेज? जब 97 में हमने शुरू किया था उस समय भी महसूस किया कि जब बच्चे लॉज में रहते हैं तो सीलन भरा कमरा है, बगल से नाले हैं और हाइजीन नहीं है, खाने में बीमार पड़कर घर जा रहे हैं वापस, और फिर उनकी पढ़ाई कहीं बीच में रुक जा रही है, और एक बार डेटोरिएशन हुआ उनके परसेंटेज में या एक बार गिरावट आया तो उनका उत्साह नहीं बढ़ा, एक बार फेल हुए तो दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पाए चूँकि पैसे की कमी रहती है उनके घर में। ये सब कुछ ऐसा प्रभाव डाल रहा था कि बिहार की एक बड़ी आबादी, बड़ी संख्या छात्रों की जो जुनूनी छात्र थे वो कहीं ना कहीं ऐसे माहौल के शिकार होते गए और उनका जो लक्ष्य था, जो सपना उन्होंने देखा था, वो कहीं ना कहीं छूटते गया। इसे मैंने बहुत करीब से महसूस किया और शायद यही वजह है कि दिल्ली का अपॉर्चुनिटी छोड़कर मैं दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद सबको छोड़ा और बिहार में आकर स्थापित हुए। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें सुकून मिलता है इस बात से कि जिस राज्य ने मुझे मान सम्मान पहचान दिया उस राज्य को कुछ देने का जब वक्त आया तो मैंने ईमानदारी से उसे रिटर्न करने की कोशिश किया, और उसी का प्रतिरूप है ये गोल एजुकेशन विलेज जहाँ पे आप खड़े हैं। ये 12 एकड़ है इस जगह पे कैंपस, इससे बड़ा तो कोई मतलब कि एजुकेशन विलेज जो है बिहार में तो नहीं है। मेरा जो रिसर्च है कई आसपास के कई राज्यों में भी नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी में होता है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, लेकिन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं होता है। एक दर्द भी था मेरे अंदर कि कोचिंग इंस्टीट्यूट पे हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है कि ये माफियाओं का एक बड़ा रूप होता है और माफिया लोग होते हैं जो कोचिंग चलाते हैं या कोचिंग चलाने वाले उस रूप के होते हैं, ऐसा एक परसेप्शन समाज में है जिसकी चर्चा आपने अभी किया। तो मुझे ये, चूंकि मैं इस प्रोफेशन से हूँ तो हर इंसान को जो अपना प्रोफेशन होता है वो प्यारा लगता है, तो मैं जब इस काम में आया तो मुझे लगा कि बड़ा नोबल प्रोफेशन है जिसमें एक गाँव से आने वाला बच्चा सपना लेकर आता है, गरीब घर का बच्चा एक बड़ा सपना लेकर आता है और बड़ा कुछ करना चाहता है, तो बड़ा कुछ करने वाले बच्चों के ऊपर इतनी बड़ी उंगली उठे या फिर इसमें जुड़े हुए लोगों के ऊपर उंगली उठे कि ये माफिया हैं, भाई हम किसी का करियर सेव कर रहे हैं, किसी को हम उसके लक्ष्य तक पहुंचा रहे हैं, उनके सपने को साकार कर रहे हैं, तो हम माफिया कैसे हो गए? तो ये बिहार के एजुकेशन सिस्टम में तो रीढ़ की हड्डी आप लोग हैं, ये बात सही है, लेकिन कुछ कोचिंग वाले जो है इसमें दाग लगाने का प्रयास करते हैं। हर प्रोफेशन में मेरा मानना है
है कि हर प्रोफेशन में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन जब संख्या बढ़ जाता है किसी एक पार्ट का तो वो एक परसेप्शन बन जाता है। यहाँ पे क्यों आपने गोल विलेज स्थापित किया, ये पूरा वही मैं बता रहा था कि जब दाग लगने लगा तो मुझे लगा कि इस दाग को कैसे मिटाया जाए, हम क्या प्रयास कर सकते हैं, क्या हम सिर्फ सुने कि हम माफिया हैं या फिर उसको मिटाने का कोई कोशिश भी करें। तो हमने एक जो शुरुआत 97 में टेस्ट सीरीज के रूप में लाया था, जो पूरे भारतवर्ष का अनूठा प्रयोग था, उसमें बच्चों का रिजल्ट आया, और रिजल्ट आने का वजह भी बहुत स्पष्ट है कि हम छात्रों से मेहनत करवाते हैं, टेस्ट के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, डाउट के माध्यम से। यही रीजन है कि आप नंबर वन है, इसी से सबसे ज़्यादा रिजल्ट होता है, इसलिए रिजल्ट ने मुझे नंबर वन बना दिया और आप लोगों ने मुझे नंबर वन का तगमा दे दिया। तो तमगा जो मिलता है उसी पे फिर आगे काम होता है। खैर, तो इस जगह पे आने का और इस तरीके का परसेप्शन क्रिएट करने के पीछे जो रीज़न है वो यही है कि हम कुछ अलग करना चाहते हैं या फिर अलग कुछ देना चाहते हैं। एक दाग मिटाना तो अलग बात है, वो तो है ही, कि हमारे ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है उससे हम कैसे लोगों को साबित करें कि नहीं, हम आज के एजुकेशन व्यवस्था के एक इंटीग्रल पार्ट हैं, उसका एक अंग है, अभिन्न अंग है, और हम भी एजुकेशन व्यवस्था में हमारे कोचिंग में जैसे बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोग एक बेहतर काम करके दिखाएं। बिहार की जो अपनी क्षमता है, जो यहाँ के बच्चों का मेधा है, जो यहाँ के शिक्षक के पास क्षमता है, ये सब कुछ मिलकर जब एक साथ एकत्रित होगा और काम करेगा तो उसके रिजल्ट भी बहुत आएंगे। ये जो जहाँ आप हैं अभी फिलहाल, ये गर्ल्स का बिल्डिंग है जहाँ पे 500 बच्चे रहते हैं, और इसके साथ में जो पीछे सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो सामने उजली वाली, वो बॉयज़ के लिए, वो भी 500 का है। दोनों में लाइब्रेरी में ये दोनों के बीच का ये क्लासरूम है, हमारा कोएड नहीं होता है, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए अलग अलग व्यवस्था होती है ताकि डिस्ट्रक्शन ना हो, और बच्चे बड़े ओपन माइंड के हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ने वाले बच्चों में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, वो बहुत जुनूनी है और अपने लक्ष्य के तरफ बहुत ही संजीदगी से काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि वो हम जैसे रास्ता बताते हैं उसका अनुकरण भी करते हैं और वो रिजल्ट तक पहुँचते हैं। हमारी पूरी टीम ने, चाहे वो शिक्षक हों, हमारे साथ मैनेजमेंट के लोग हों, सब लोगों ने एक साथ निर्णय लिया और कहा कि नहीं, बिहार में कुछ ऐसा स्थापित करें जो एक माइलस्टोन क्रिएट करे, लोगों का जो सोच है, समझ है, और बाहर जाने का प्लान करने के प्रति जो मजबूरी है वो मजबूरी न रह जाए। तो हमने एक छोटा प्रयास किया है, ये 12 एकड़ का कैंपस भले ही और लोगों के लिए बड़ा लगता होगा, लेकिन अभी भी जितना काम है उसमें एकदम छोटा सा प्रयास है कि बिहार में अगर ऐसे इस तरीके से छात्रों के साथ काम किया जाए, उन्हें ये सुविधाएँ दी जाए, तो ऐसे बच्चों का रिजल्ट बहुत आसानी से होगा। एक और अच्छी बात है यहाँ का कि ऐसा नहीं है कि ये जगह जो इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इतनी सुविधाओं के साथ है, जिस जगह पे हम खड़े हैं ये योगा करने का ओपन एरिया है, इसके बाद दो इंडोर है, फिर आगे का ओपन एरिया है, इंडोर गेम का है, बहुत सारे फैसिलिटी के साथ हम लोग दे रहे हैं। तो अगर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के साथ छात्रों की व्यवस्था सुधारी जाए और बेहतर दी जाए तो वही छात्र हैं जो रिजल्ट यहाँ से भी दे सकते हैं, बिहार का जो अपना पहचान है उसको स्थापित कर सकते हैं, और कहीं पलायन करने की उनको ज़रूरत नहीं होगी। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत कम पैसे में ये चीज़ें दी जाती है, सबसे बड़ी बात है कि कम पैसे में ये सारी चीज़ें दी जाती है और बिहार से पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप आपने बिहार में किया है, बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हुआ होगा, यहां पे डर नहीं लगा कि बिहार में कुछ भविष्य में अनहोनी या इस प्रकार का? देखिए मनीष जी, मैं तो बिहार का ही रहने वाला हूं और बिहार के कई जिलों में बारी बारी से हमारी पढ़ाई हुई, चूँकि पिताजी के ट्रांसफ़र के साथ हम जाते गए हैं और बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई है। तो निश्चित रूप से एक लेवल आने के बाद लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं और इन्वेस्टमेंट जो होता है उनका, कमाई भले ही बिहार से करते हैं लेकिन वो बाहर चले जाते हैं और इन्वेस्टमेंट बाहर होता है। तो जब हमने शुरू किया था उस समय भी ये बातें चली, कोटा में आप खोल सकते थे, हाँ, कोटा या नोएडा में मेरे पास ऑप्शन था, मैं दिल्ली में, वहाँ पे काफ़ी बच्चे थे मेरे पास, चाहता तो दिल्ली में ही मैं रुक गया होता। तो लेकिन इमोशन होता है एक अपने राज्य से, जिस मिट्टी ने, फिर से मैं यही कहूँगा कि जिस मिट्टी ने मान सम्मान पहचान और सब कुछ दिया, उसे हम क्या वापस कर रहे हैं। तो परेशानियां तो हुई, ऐसा नहीं कि परेशानी यहाँ नहीं हुई है और परेशानी आगे नहीं होने वाला है, पहले भी हुई है, आज भी हो रही है, आगे भी होना है। लेकिन जब आप शिद्दत से किसी चीज़ को करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें इमोशन होता है, ऑनेस्टी होता है, आप बेहतर करने की सोच लेकर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों का समर्थन होता है। तो मैं बहुत गर्व से इस बात को कहता हूँ
कि हमारे इस बिहार में परेशानियों की कोई कमी नहीं रही, लेकिन साथ देने वाले उससे ज़्यादा निकल कर सामने आए, साथ देने वाले उससे ज़्यादा निकल कर सामने आए, तब जाके एक बड़ा सा एजुकेशन पार्क इसको कहा जा सकता है, नॉलेज ग्राम कहा जा सकता है, गोल विलेज जो है उभर कर सामने आया और अपने आप में एक अनूठा प्रयास है। कोटा में क्यों नहीं गए आप? सब कुछ ज़्यादा होता, फीस भी ज़्यादा रहता और गार्जियन का मेंटालिटी भी है, कोटा चला गया तो मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर तो शायद अपना गोल बना देता है। तो वही होता कि बिहार के बच्चे को फिर कोटा ही आना पड़ता। बिहार के बच्चों को बिहार में क्या मिल रहा है? हर राज्य ने अपने लेवल पर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है या फिर वहाँ पर एजुकेशन की व्यवस्था है, रोज़गार की व्यवस्था है। बिहार में अगर आप देखें तो पढ़ाई और पढ़ने वाले छात्रों का की व्यवस्था जिस लेवल पे होनी चाहिए उसकी कमी रही है, ये भारी मन से सब लोग स्वीकारते हैं और पलायन इसी वजह से होता है। तो हम लोगों ने, हमारे पास ऑप्शन था कि हम दिल्ली रह जाते, लखनऊ हो जाते या फिर कोटा चले जाते तो शायद पैसा कमाते और बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, बट जो ये इमोशन मिलता है। एक सवाल, कितने लोगों को रोज़गार दिया है? हमारे साथ लगभग डायरेक्टली 450 लोग हैं अभी जुड़े हुए। डायरेक्टली 450 लोगों को रोजगार आपने दिया है, यहाँ पे मिला है। हाँ। और इनडायरेक्टली तो जो हॉस्टल चलाने वाले लोग शुरुआत किए थे तो कितने लोगों को रोजगार दिया था? शुरुआत अकेले किए थे और आज जो है विपिन सर 450 लोगों को डायरेक्टली रोजगार दिए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और कुल मिलाकर ऐसे बात कहें तो लगभग 2000 लोगों का घर चलता है इस गोल संस्थान के अपने ये प्रयास से। और लास्ट 25 साल से हम लोग बिना रुके बिना थके लगातार एक सूत्री कार्यक्रम हमारा है कि छात्रों को अपने लक्ष्य तक पहुँचाया जाए, उसके लक्ष्य उसे मिले, उनके सपने साकार किए जाएँ और प्रयास करते हुए ऐसे गोल विलेज बन जाए, ऐसा ऐसा और एजुकेशन पार्क बन जाए, नॉलेज पार्क बने, तो हमारा एक छोटा प्रयास है। हो सकता है कि ऐसे से देख के बहुत सारे लोग आगे आएंगे। एग्जैक्टली उनके पास भी मोटिवेशन हो और उनके पास जो पैसे हैं वो पैसे भी ऐसे ऐसे प्रयास के रूप में जब सामने आएगा और एक के बजाय ऐसे ऐसे बिहार का पैसा जब बिहार में रुकेगा तो बिहार का विकास होगा। किसी न किसी को तो शुरुआत करना था, हमने किया, ठीक है हमें ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा होगा, ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन इससे देखने के बाद बहुत लोगों के मन में अब एक जिज्ञासा है और उनके अंदर की एक सोच है कि क्यों नहीं मैं ऐसा कर सकूं, और इसकी चर्चा चलने लगी है। गोल विलेज के तर्ज पर एजुकेशन विलेज की मांग बढ़ने लगी है, सरकार तक हमारी मांग गई है, लोग प्रयास कर रहे हैं और सरकार भी सकारात्मक तरीके से सोच रही है। क्या होगा आने वाले समय में वो मैं नहीं कह सकता, बट सरकार के पास इसकी चर्चा है और लोग इसके बारे में अब बात कर रहे हैं। पीछे वाला बॉयज हॉस्टल है, ये बीच में क्लासरूम है और सामने गर्ल्स हॉस्टल है, इस प्रकार का व्यवस्था आपने क्यों किया कि गर्ल्स हॉस्टल इस साइड, बॉयज हॉस्टल उस साइड और बीच में क्लासरूम? एक सेपरेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, चूंकि टीनेजर्स रहते हैं, 15 साल और 20 साल के बीच के बच्चे ज़्यादा होते हैं हमारे यहाँ, तो डिस्ट्रक्शन कम से कम हो, ये तो शुरू से ही हमारा स्लोगन ही रहा है और इस पर काम भी करते हैं और इसी वजह से रिजल्ट भी होता है। तो दोनों का सेपरेट व्यवस्था होना, दोनों का रिजल्ट एक साथ निकलता है बट सेपरेट है, क्लासरूम वगैरह भी हमारा सेपरेट है, बॉयज का अलग गर्ल्स का अलग। चूँकि बच्चे यहाँ पढ़ने वाले होते हैं तो वैसे भी इनका जो डिस्ट्रक्शन है वो ऑब्वियस है कि कम होगा दूसरे वैसे बच्चों के अपेक्षा जो शहर में इधर उधर ज़्यादा घूमने वाले होते हैं, यहाँ घूमने का ऑप्शन नहीं है, इधर उधर जाने का ऑप्शन जीरो ही है। अच्छा, गोल विलेज आपने नाम क्यों दिया इसका? विलेज मतलब कि क्या? देखिए, विलेज का मतलब होता है एक गाँव का एक कॉन्सेप्ट होता है, गाँव की एक समझ होती है लोगों के बीच में, कि गाँव जो होता है ना एक दूसरे के को कनेक्ट करता है हर जगह पर, वहाँ एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है जिसको जिया जाता है, और जहाँ पे लोगों का किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग हैं वहाँ से एक संबंध है, एक रिलेशन है, वो निभाते भी हैं। सारे बच्चे यहाँ पे जो रहते हैं एक दूसरे से डिस्कशन के रूप में, डिस्कशन पार्टनर के रूप में इनका बहुत तरह का मदद करेंगे, मदद करना, दूसरे को पढ़ाई में सपोर्ट करना और दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना। तो मिलजुल कर जो पढ़ाई होता है ना, और मिलजुल कर कोई भी काम होता है और टीम वर्क के साथ जो काम होता है वो रिजल्ट में कन्वर्ट करता है, इसलिए हम लोगों ने इसको विलेज का नाम रखा। और लक्ष्य तक पहुँचाने वाला एक ऐसा गाँव, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पे गुरुकुल की वो सारी व्यवस्थाएं हो, जहाँ पढ़ाई और पढ़ाई के साथ संस्कार और उसके साथ बच्चों को लक्ष्य तक पहुँचाने की व्यवस्था, वो सब कुछ दिया जाए। तो पटना से कितना दूर है? लगभग ये जगह है 23 किलोमीटर। शायद ये बिहार का सबसे बड़ा लाइब्रेरी होगा जहाँ पे बच्चों के लिए सेपरेट केबिन का व्यवस्था है।
जी बिल्कुल। एक्चुअली ये जो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे वैसे तो किताबें होती है, बच्चों को चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है तो बड़े सीमित किताबें यहाँ प्रोवाइड की जाती है बच्चों को, और उतने ही से पढ़ाई करना है। तो बहुत ज़्यादा किताबों के उलझन में उन लोगों को ना उलझा कर सीमित किताबें देकर उनको पढ़ाई देना, और पढ़ने की जो एक व्यवस्था है माहौल में, अगर आप इस तरफ देखें तो ये जो लाइब्रेरी वाला पार्ट है हम लोगों का, तो सबका अलग अलग केबिन दिया हुआ है, सबके सेपरेट लाइट्स हैं, अपने चेयर्स हैं, वो कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, एक साथ बच्चा बैठ के पढ़ाई कर सकता है, दोनों साइड है इसमें, एक साथ 500 बच्चों को पढ़कर पढ़ने की व्यवस्था दी गई है। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है कि कभी बच्चा कोई जैसे अकेले में पढ़ता है तो वो यूज़ टू हो गया, उसके बाद सोने चला जाता है, लेकिन यहाँ एक दूसरे को देख कर पढ़ाई होती है। आप अगर इस लाइब्रेरी में आते हैं तो आपको 24 आवर्स कोई ना कोई पढ़ता हुआ दिखेगा, किसी का सोने का टाइम 2 बजे है और किसी का जगने का टाइम 2 बजे से पढ़ाई शुरू करने का है। तो ये लाइब्रेरी 24 आवर्स बच्चों के लिए रहता है। बच्चे बैठते हैं इसमें 500 बच्चों को एक साथ बैठने की व्यवस्था है, ये गर्ल्स वाले में भी, और बॉयज़ सेक्शन में भी 500 प्लस बच्चों का बैठने की व्यवस्था है। मतलब कि बॉयज़ सेक्शन में 500 बच्चे सेपरेट केबिन में बैठते हैं और गर्ल्स में भी सेपरेट केबिन में 500 की व्यवस्था है। तो यहाँ जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होता है। इतना बड़ा लाइब्रेरी बनाने के पीछे का मकसद क्या था? एक जो हमने महसूस किया पिछले 25 वर्षों में जो चीज़ें मुझे दिखी कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, जैसे कमरे में वो पढ़ाई कर रहे हैं तो कमरे में पढ़ते पढ़ते वो अपने बेड पे जाते हैं, और बेड पे जैसे ही गए वो उनको नींद आ जाती है, थके होते हैं बच्चे दिमाग से भी शरीर से भी, तो सो जाते हैं। लाइब्रेरी में ऐसा नहीं होता है। लाइब्रेरी से जब कभी ऐसा देखने को मिला है कि लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते बच्चे जब कभी नींद में आते हैं, अपने कमरे तक जाते जाते उनकी नींद खुल जाती है और फिर वापस आके पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि वो जब अपने कमरे पर सोने जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि दूसरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने का जो उनके अंदर का जो मोटिवेशन है वो जाग जाता है जब दूसरे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो ये इसका फ़ायदा होता है। अगर आप लाइब्रेरी वाला पार्ट को देखें तो मुख्य रूप से इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उनका जो केबिन का जो पार्ट है वो सेपरेशन है, सबके अपने अपने लाइट्स हैं और ये कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं एक साथ बैठ के पढ़ के। दोनों साइड में हम लोगों के पास केबिन है जहाँ से इनकी मॉनिटरिंग होती है। प्रॉब्लम्स अगर कहीं किसी तरीके से होता है तो डाउट का है, वहाँ पे बच्चे आपस में डाउट क्लियर किए टीचर। कांच लगाने का क्या मकसद था चारों तरफ एकदम पूरा? कांच लगा हुआ है, एक तो एसी है तो एसी का इफेक्ट बेहतर मिले, और बाहर जैसे कोई आवाज़ भी अगर आती है तो बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो। अगर आप मूव कर रहे हैं या फिर कोई यहाँ पर आकर लाइब्रेरी में जो यहाँ के वार्डन है वो अगर जाँच कर भी रहे हैं तो उनके घूमने का उनके आने जाने से किसी बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो और वो कॉन्सेंट्रेट होकर के अपनी पढ़ाई कर सके, ये व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। तो ये कुछ खास है जो जहाँ पे बच्चे रह के पढ़ाई कर लेते हैं, और यही वजह है कि इनकी सेल्फ स्टडी अच्छी होती है और रिजल्ट साथ आता है। इस प्रकार का अगर लाइब्रेरी का व्यवस्था होगा तो रिजल्ट तो आएगा। हाँ, ये इनका मेमोरी के लिए मतलब याद करने के लिए अगर आप देखें तो ये सबसे अच्छा तरीका है। बच्चों को बताया भी जाता है कि आप रिकॉल डायरी बनाते हैं, आप इस तरीके से, अब ये आप देख रहे हैं इतना छोटा सा पर्ची है लेकिन इसमें पूरा एक चैप्टर का सारा जिस्ट लिखा हुआ है। अब ये बच्ची जब भी पढ़ाई करने आती होगी एक लुक इसको देखी और एक लुक में 8 से 10 चैप्टर इनको दिखाई दिया और वो अपने दिमाग में आ गया, और भूलने वाली चीज़ें सब लिखी पड़ी हुई है। तो बच्चों को पढ़ने के लिए इनके स्वाभाविक व्यवस्था को सामने रखना पड़ता है, और अपने जिस माइंडसेट से ये बच्चे पढ़ रहे हैं इनको किस में अनुकूलता है वो चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है। तो जब ऐसा कॉन्सेंट्रेशन बच्चों का बनता है और पढ़ाई उस तरीके की होती है तो सीधा रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। और ये चीज़ें हमने अनुभव किया पिछले 25 वर्षों में कि छात्र अगर एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को देख कर मोटिवेट हो रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और डिस्कशन के साथ इनकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, सेल्फ स्टडी बेहतर हो रहा है, सीधा वो रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। और यही इस पर कॉपीराइट हम बिहार के लोगों का है, देख सकते हैं हर जगह हम लोग लिखते हैं, और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट हम बिहारियों का होता है। बाकी बिपिन सर के साथ इस अद्भुत प्रयास को आप किस नज़र से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।